बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर। तो आज जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ईद मिलन पार्टी। जी हाँ, जिसे हम वन डिश पार्टी भी कहेंगे, क्योंकि ईद मिलन पार्टी का ये मज़ा ये होता है कि सब जो है वो एक एक डिश जो है वो बनाकर जो है वो एक जगह जमा होते हैं, यानी बहुत अच्छी गैदरिंग होती है। अच्छा, माशाल्लाह से जो है वो ईद को गुजरे काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मुझे लगता है पूरा महीना जो है वो ईद की दावतें होती रहेंगी। तो यही खूबसूरती है हमारे त्योहारों की, जिसमें जो है वो हम बहुत जो है वो इंजॉय करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो वक्त भी गुजारते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं बना रही हूँ वाइट क्रीमी चिकन कढ़ाई। जी हाँ, वैसे इसकी फुल रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है। और यहाँ पर मैंने जो है वो एक कप ऑयल लिया था, जिसमें मैंने जो है वो 2 किलो चिकन को अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई किया है, यानी 5 से 6 मिनट तक जो है इसको जो है वो हाई फ्लेम में फ्राई करना है, जिसमें मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी थी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी, और इसको ढक के जो है वो 10 मिनट और पकाया है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि चिकन ने जो है वो पानी छोड़ दिया है, क्योंकि इसको फ्राई जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है जब तक ये बिल्कुल जो है वो चिकन इसका जो है ना कलर चेंज ना कर दे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 मीडियम साइज़ की जो है प्याज जो है वो ग्राइंड करके जो है वो इसके अंदर शामिल कर ली हैं, और प्याज ऑप्शनल है, लेकिन मैंने इसमें प्याज इसलिए शामिल किया है कि इससे जो है वो एक तो ग्रेवी भी बनती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर दही के अंदर मैंने जो है वो काली मिर्चें ले ली हैं, सफ़ेद मिर्चें यानी पिसी भी आपने लेनी है, अपने सॉल्ट लेना है, और इसके अंदर मैंने जो है वो ज़ीरा पाउडर लिया है और धनिया जो है वो भुना हुआ उसका भी पाउडर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के मैं इसके अंदर जो है वो इसकी भुनाई करूँगी, क्योंकि चिकन आपको पता है बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है। अच्छा, अगर आपने जो है ना मटन में बनाना है तो आप ये इसी रेसिपी से जो है वो मटन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरीके से जो है भुनाई करने के बाद बिल्कुल एंड में जो है वो मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी 1 कप। जी हाँ, अच्छा, क्रीम के बाद जो है ना कोई भी आप अगर कोई डिश बना रहे हैं ना, कोई रेसिपी बना रहे हैं, तो उसको आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। तो बिल्कुल एंड में ही जो है वो बस क्रीम मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल किया, और उसको थोड़ा सा जो है 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी और फिर फ्लेम को कर दूँगी ऑफ। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारी वाइट क्रीमी चिकन कढ़ाई जो है बहुत ही मज़े की जो है वो बनी है। खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही थी, और जब ऑयल मसाला छोड़ देगा तो इसका मतलब है हमारी रेसिपी जो है एकदम से रेडी हो गई है। तो बस मैं इसका थोड़ा सा करूँगी वेट, और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके जो है वो 2 मिनट के लिए दम पे इसको रख दूँगी। तो आपने देखा कितनी फटाफट और खटाखट तरीके से हमारी वाइट क्रीमी चिकन कढ़ाई हो गई है एकदम से तैयार। तो बस अब इसको जो है वो मैं जिसमें सर्विंग बॉल पे मुझे लेके जाना है उसके अंदर मैंने इसको जो है रख दिया है, और इसके ऊपर कर दिए अच्छी तरीके से जो है गार्निश। जी हाँ, तो ये मेरी जो है वो डन हो गई है रेसिपी। तो मैं अपनी फ्रेंड असरा के घर पहुंच चुकी हूं। जी हाँ, और असरा को वन डिश के लिए ही कहा था, लेकिन असरा मानने वाली थोड़ी है, उन्होंने तो 4 या 5 डिशेस जो है वो रेडी कर दी थी। असरा, ये बहुत गलत बात है, अगर आप मेरी जो है ये वीडियो देख रही हैं तो आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मटन कढ़ाई है, मटन चॉप्स हैं, तंदूरी चिकन बिरयानी है, और चिकन लाजानिया है, और हरी मिर्चें आप लोग देख रहे हैं उसकी चटनी है, और सीख कबाब हैं, आलू बुखारे की चटनी अलग है, लहसुन की अलग है, पराठे हैं, रोटियां हैं, और माशाल्लाह से जो है वो बहुत मज़े का खाना था। और मुख्तलिफ हाथ के पके हुए खाने अगर एक जगह जमा हो जाएं तो उसकी क्या ही बात है, और माशाल्लाह से सबके हाथ में इतना जायका है कि क्या ही कहने। तो हमने तो खाने को बहुत इंजॉय किया और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड भी किया। तो ये तो बहाने होते हैं, छोटी छोटी गैदरिंग करना तो मुझे लगता है कि मिलने के बहाने होते हैं, और जो है अच्छा वक्त जो है वो साथ गुजारने के भी बहाने होते हैं। तो ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ तो मैं करते ही रहती हूँ, और करना भी चाहिए, इससे आपका जो है माइंड भी फ्रेश होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है वो खाने को कर रहे हैं खूब इंजॉय, और साथ साथ आप भी जो है वो देखें। तो असरा ने जो है स्वीट डिश भी बनाई थी, और माशाल्लाह से लबे शीरी बहुत ही मज़े की बनी थी।
तो ये छोटा सा व्लॉग आज का आपको मेरा कैसा लगा है मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचते रहेगी। तो अपना रखना है आप लोगों ने हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ख्याल, और मेरी फैमिली को रखना है हमेशा की तरह दुआओं में शामिल। तो नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।